नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएफटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। देश में हो रहे महिलाओं के दुष्कर्म, बलात्कार, विद्यालय या कोचिंग जा रही लड़कियों के साथ छेड़खानी, हत्याओं को देखते हुए महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए महात्मा गांधी के कर्म भूमि पश्चिमी चंपारण से राष्ट्रीय मानव अधिकार फाउंडेशन के तहत सभी महिलाओं को उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, बलात्कार रोकने के लिए जागो बहनों जागो कई मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत जिले के सभी थानों में थाना प्रभारी के साथ सभी जनप्रतिनिधियों के साथ सामूहिक बैठक की जा रही है और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच आज बैरिया थाने में जागो बहन जागो मुहिम का शुभारंभ किया गया, जिसमें बैरिया थाने के सभी पुलिस बल के साथ सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी जनप्रतिनिधियों ने इस मुहिम की जमकर तारीफ की। वहीं बैरिया थाना प्रभारी प्रणय कुमार ने बताया कि इस मुहिम से सभी बहनों को सुरक्षा प्रदान होगी और वो अपने आप को मजबूत बनेंगी। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन के बिहार उपाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि देश में महिलाओं की हालत को देखते हुए इस मुहिम की शुरुआत हम लोगों ने की है, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस बल का सहयोग चाहिए, जिससे कि हम लोग इस मुहिम को विस्तार कर गांव-गांव, टोला मोहल्ला की सभी बहनों को जागरूक कर सकें। वहीं इस मुहिम की सदस्य सोनी कुमारी ने बताया कि अब हर महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी एवं मजबूत होगी, क्योंकि हम लोग जागो बहन जागो मुहिम चला रहे हैं, जिससे सभी बहनों को मजबूत करना है ताकि उसकी तरफ कोई गलत निगाह ना देख सके। अगर ऐसा होता है तो हम लोग उसका विरोध करेंगे और न्यायिक हिरासत में डालने का काम करेंगे। मौके पर धर्मेंद्र कुमार, निक्की कुमारी, ललिता देवी, बथना मुखिया पति इरशाद आलम, सिरसिया सरपंच पति मजहर आलम, क्षेत्र संख्या 34 जिला पार्षद संजय राव एवं कुमारी के साथ सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। हम लोग बैरिया थाना मतलब आए थे और हम लोग जागो बहन जागो पे मतलब मुहिम चला रहे हैं, जो उनके बारे में थाना प्रशासन के साथ हम लोग बैठ के मीटिंग भी किए और उन्होंने भी बहुत कुछ हम लोग को बताया और बोले कि सबको जगना पड़ेगा। गार्जियन भी कुछ सदस्य आए थे, उनको भी उनके साथ भी हम लोग का मीटिंग हुआ और बात हुआ और थाना प्रशासन सर बोले कि बहुत अच्छा है, हम लोग का जो मुहिम चला रहे हैं बहुत अच्छा है और आगे भी बहुत अच्छा ही होगा। आज हम लोग बैरिया थाना में आए हैं और अपने राष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन की टीम के साथ हैं और बहुत आज खुशी ये हो रही है कि आज हम लोग जागो बहन जागो अभियान जो है लेके आज थाना में हम लोग कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाए और काफ़ी हमारे थाना अध्यक्ष के तहत से हम लोगों का सपोर्ट मिला और शक्ति मिला और काफ़ी हमारे पंचायत लेवल पर वार्ड मुखिया सरपंच भी लोग थे जो सभी के बीच में जागो बहन जागो अभियान हम लोग चला रहे थे। तो उसके तहत काफ़ी हम लोग एक मीटिंग किए जो पूरे देश के लिए हम लोग काम कर रहे हैं जागो बहन जागो, तो इसके लेके हम लोग बहुत अच्छा से इस कार्यक्रम को किए बैरिया थाना अध्यक्ष के साथ, तो बहुत अच्छा लगा। प्रसाद, आज बैरिया थाना अधिकारी महोदय के यहाँ मिल करके हमने जागो बहन जागो कार्यक्रम के अंतर्गत उन बहनों को जगाना है जो आज हमारे समाज में प्रताड़ित हो रही हैं, उनको तरह तरह की यातनाएं दी जा रही है। आज ये मुहिम हम सभी अपने टीम के द्वारा चलाए हैं और ये पूरे भारत में विस्तार होगा, इसी शुभकामना के साथ आज हम सभी बैरिया थाना से इसका शुभारंभ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।